Mirchi Bollywood. बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया के चैट शो BFF विद वॉग में बॉलीवुड के सितारों का मेला लगा ही रहता है। अभी हाल ही में शाहिद कपूर अपनी वाइफ के साथ नेहा के चैट शो में गए थे। इस दौरान दोनों ने नेहा के साथ खूब मस्ती की। वहीं एक तरफ शो के दौरान नेहा के सवालों का जवाब देते हुए मीरा ने अपनी और शाहिद की सेक्स लाइफ के बारे में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए खूब सुर्खियां बटोरी थी, तो दूसरी तरफ शो में एक सवाल का जवाब देते समय शाहिद कपूर ने बॉलीवुड की फैशनिस्टा सोनम कपूर पर निशाना साधा। दरअसल हुआ यूं कि शो में सेट और स्ट्रिप्ट गेम चल रहा था। गेम के नियमों के मुताबिक शाहिद मीरा को पूछे गए सवाल का जवाब देना था। जवाब न दे पाने पर उनको अपने बदन पे पहना हुआ एक कपड़ा उतारना पड़ता। बता दें, शाहिद से नेहा ने पूछा कि इंडस्ट्री में वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसे फैशन और स्टाइल के बजाय किताबें पढ़ने में समय देना चाहिए। इस पर शाहिद ने कहा, मैंने इंडस्ट्री में कई ऐसी हीरोइनों के साथ काम किया है जो फिल्म में अपने करेक्टर के मुकाबले अपनी कॉस्ट्यूम पर ज्यादा ध्यान देती हैं। लेकिन खुशी की ये बात है कि धीरे धीरे इस स्थिति में बदलाव हो रहा है। शाहिद के जवाब के तुरंत बाद नेहा ने कहा, ये मौसम है जूते उतारने का। तो सुना आपने, नेहा और शाहिद के इस बात से लग रहा है कि इनका इशारा सोनम कपूर की तरफ था। आपको बता दें कि शाहिद और सोनम ने मौसम फिल्म में साथ काम किया था। फिल्म मौसम की शूटिंग के वक्त सेट पर सोनम और शाहिद के बीच कोल्ड वॉर छिड़ने की खबरें भी आई थी। बात करें अगर शाहिद की आने वाली फिल्मों की, तो अभी शाहिद बत्ती गुल मीटर चालू की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन श्री नारायण शर्मा कर रहे हैं और शाहिद के साथ इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और यामी गौतम भी लीड रोल में नजर आएंगे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।